रोमेन रोलैंड 1866 में पैदा हुए। रोमेन रोलैंड एक प्रसिद्ध फ्रेंच उपन्यासकार, नाट्यकार, इतिहासकार और निबंधकार थे। 1902 में अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की, तब इनकी उम्र 36 साल के थे। 1915 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो उनके साहित्य के उत्पादन के उत्कृष्ट, आदर्शवादी और सहानुभूति, प्रेम और सच्चाई के साथ श्रद्धांजलि के रूप में उन्होंने मानव को बताया। टागोर को फ्रांस देश में मिले, टागोर से कहा कि भारत को पहचाना है तो क्या करें। तब टागोर ने कहा, आप विवेकानंद के पुस्तक पढ़ो, फिर आप पहचानी जाओगे। उन्होंने 1924 में महात्मा गांधी की पुस्तक लिखी और 1931 में उन्हें मिले। उनकी मृत्यु के कुछ ही समय पहले उन्होंने पेगिम 1944 में लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी यादों के संदर्भ के माध्यम से धर्म और समाजवाद की जांच की। वेजले में 30 दिसंबर 1944 में निधन हो गया।